कराची में सुख लड़काना सजी मिल रही है, ये इत्तेफाक नहीं, ये हकीकत है। अच्छा, गुलिस्तान जौहर में जो फेमस है लड़काना सच्ची है, वो भी आपकी ब्रांच में से? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको ये गुलजारे जी वाली ब्रांच में? 2017 से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची में लड़काना सब्जी एंड बारबेक्यू पे, और यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे किस्म की सब्जी और फिश की भी सब्जी है, और कुछ चिकन पीसेस हैं और दाल मखनी वगैरह। चलें इनके जो शेफ़ हैं उनसे भी मिलते हैं और पूछते हैं, और ऑनर से भी मिलते हैं। तो आए चलें, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक है सर। आपका नाम जान सकते हैं? रिजवान साहब। रिजवान साहब, क्या क्या बना रहे हैं इस वक्त आप? मछली है, सची है, मछली है। अच्छा, ये मछली की भी कोई सची वगैरह बनती है? कितने टाइम से बना रहे हैं रिजवान भाई? ये मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल से ये लड़काना कराची में लड़काना सच्ची के नाम से, क्या लड़काना से ही आए आप लोग? जी, लड़काना। अच्छा, इसके अलावा और भी कोई ब्रांचेस वगैरह आपकी? 10-12 ब्रांच। कराची में कहाँ गए रिजवान भाई? कराची में पहले जोर में और दूसरी जगह भी है, और यहाँ पे ये अबुल हसन स्वानी पे 7 साल से आप अबुल हसन स्वानी पे हैं। ये मेरे ख्याल से गुलजार इजरी कहलाता है, और फारिया चौक के करिए। अच्छा रिजवान भाई, बता दें ये क्या रखा हुआ है आपने? ये मसाला है मौला सजी का। मसाला है, पहले आप मसाला लगाएंगे और फिर उसके बाद इसको तैयार करेंगे। एक ज़रा लगा के दिखाते हैं किस तरह सीख में मसाला लगा रहे हैं आप। ये कौन सी बोटी कहलाती है रिजवान भाई? शाशलिक बलोची, सिंधी स्टाइल में शाशलिक और बलोची। ये क्या पानी वानी ज़्यादा है क्या? इस अपने मसाला बना हुआ है, अपना जाती मसाला बनाया हुआ है आपने, और इसी को लगा के आपने पहले चिकन के पीस। चिकन भी है या बीफ है आपके पास? चिकन भी है, बीफ भी होता है। अच्छा, बीफ भी होता है। ये है शाशलिक बोटी। और रिजवान भाई, ये क्या जो सामने लगा हुआ है हमारे? पूरी मुर्गी लगी हुई है। ये पूरा यानी कि सब्जी आपकी कंप्लीट सब्जी है, और इसके अलावा ये मछली वगैरह भी है। ये भी सब्जी स्टाइल में ही इसी में बनाते हैं आप? इसी पे बनाते हैं, सब्जी करते हैं, फ्रीजर बनाते हैं, इससे बनाते हैं। अच्छा, इसके प्राइस वगैरह बताते हैं कि ये जो शाशलिक बोटी है ये कितने की पड़ती है? 440 रुपए, और इसका वजन कितना होता है? इसका वजन होता है आधा किलो से थोड़ा बहुत कम होता है। अच्छा, और ये जो फुल चिकन जो है आपकी सब्जी जो कहलाती है, ये कितने रेट की है? 1200 रुपए की है, 1100 ग्राम की, यानी कि 1 किलो से 100 ग्राम कम समझ लें। ये बनाने के बाद कंप्लीट है। रिजवान भाई, क्या बनाना शुरू कर दिया आपने? ये टिक्के बना रहे हैं। टिक्के बना रहे हैं, ये भी मतलब नीचे इसी तरह सब्जी स्टाइल में ही बनते हैं? जी। अच्छा, सब्जी के लिए जो आपने लकड़ियाँ रखी है बीच में रखते हैं, क्या करते हैं ऐसा कुछ? ये सब्जी करते हैं टिक्के को। अच्छा, टिक्के को बीच में रख के उसको आप बनाते हैं? जी। ये कितनी देर में टिक्का तैयार हो जाएगा? ताज़ा लगाते हैं तो 20-25 मिनट लगते हैं, वैसे सब्जी किया होता है तो 10-12 मिनट। सच्ची मतलब पहले से आप उसको हीट कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मसाला लगा के दोबारा से उसको बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें 20-25 मिनट लग जाते हैं तकरीबन, इतना ही है इसमें। और नॉर्मल जो वो एक मैंने देखा है एक ट्रे टाइप की जो होती है जिसमें, इसमें क्या फ़र्क आता है सच्ची की इसमें और उसमें? उसका बनाने तरीका अलग है, और उसका जो है ताज़ा फ्रेश लगाते हैं। अच्छा, वो फ्रेश मसाला उसका अलग है, हमारा अलग है। आपका मसाला अलग है, ये आप खुद मसाले बनाते हैं? जी, हम खुद सारे खुद ही, मतलब जितने भी आपकी फ्रेंचाइजेज हैं, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं, उधर सब आपके खुद के मसाले बने हुए हैं? खुद के बने। अच्छा, खुद के बने हुए हैं। ये इस वक्त क्या लगा रहे हैं आप? इसमें घी लगाया आपने? घी क्यों लगाया जाता है? मतलब ये तो कोयले पे, मतलब क्या? अच्छा, ये पकाने के लिए घी लगा रहे हैं। या एक मैं देख रहा हूँ लेग की आपकी है और एक सीना है, ये कितने की आपकी कॉस्ट है? इसकी कितने का पड़ता है? ये एक लेग 250 का है, सीना 230 रुपये का है, यानी कि तकरीबन 1000 रुपये में आपको 4 पीसेस मिल रहे हैं जो तकरीबन 1100 ग्राम के बन जाएंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। ये क्या कर रहे हैं रिजवान साहब? ये इसको खोल के मसाला अंदर चला जाए, अंदर तक मसाला जाता है। अच्छा, इससे अंदर तक मसाला, अब फिर दोबारा मसाला लगेगा, यानी कि थोड़ा सा आपने इसको हीट दिया, इसको थोड़ा सा बनाया, पकाया कोयले पे और फिर मसाला डाला। फिर ये ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, ये नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल लोग खाते हैं, मतलब लोगों के हिसाब से कि मतलब आप जितना दिल चाहे इस पर मसाला लगवा लें। लोग डबल भी लगवाते हैं, 3-3 बार, 4-4 बार लगवा, मतलब जिसको जिस तरह का। यार खुशबू तो अभी से माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी आने लग गई है।
यार इसके अंदर और भी पीसेस पड़े हुए हैं अगर मैं देख रहा हूँ तो। इस वक्त हम आ गए हैं सज्जी के जो ऑनर है लड़काना सज्जी का। सर सलामकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक सर जी। आपका नाम? अहमद अली। अहमद साहब, अहमद साहब, ये कराची में लड़काना ये कैसा इत्तेफाक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से काफी अरसे से काम कर रहे हैं उस्तादों के साथ। अच्छा, गुलिस्ताने जौहर से हमारा काम स्टार्ट है। अच्छा, गुलिस्ताने जौहर में जो फेमस है लड़काना सच्ची है वो भी आपकी ब्रांच में से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े मामू की ब्रांच है। अच्छा अच्छा, वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको गुलजारे जी वाली ब्रांच में? 2017 से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 2017 से, यानी कि ऑलमोस्ट कोई आपको 7 साल होने को आ गए, 5 साल तो तकरीबन हो गए हैं, ऐसा ही है। तो यार ये जो स्टाइल है आपका, ये आपने लड़काना से ही फॉरवर्ड किया हुआ है या मतलब यहीं आके आपने शुरू किया? बिल्कुल, लड़काना से स्टार्ट है उस्तादों का, तो यहाँ पर कराची में उन्होंने तकरीबन 22 साल पहले स्टार्ट किया था जो आपने। अच्छा, 22 साल पहले कराची में स्टार्ट किया था। सर वैसे इधर इस मार्केट में गुलजारे वो अपना जौहर की मार्केट में थोड़ा सा फर्क तो है। बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है? टाइमिंग सर, असर के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग वगैरह चीजें बनाना, अलहमदिल्ला स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये शेफ आपके रिजवान साहब खड़े हुए हैं और आपकी दाल वगैरह का जो भी सेटअप है ये आपके साथ पुराने ही है काफी? अच्छा, शुरुआती टाइम से हमारे साथ, बचपन से। अच्छा, बचपन से। सर जी मुझे थोड़ा बता दें कि आपके पास आइटम क्या क्या मौजूद है, उनके प्राइस वगैरह क्या क्या है? आपके सामने मेन्यू भी हमारा पड़ा हुआ है। ओके, आप देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल वगैरह मौजूद है अल्हम्दुलिल्ला। सही सही सही, ये रेड लिस्ट है, इसके साथ डील वगैरह वक्तन हम चलाते रहते हैं, उसमें डील भी शामिल होती है। यार मैं तो रात में, आप यकीन करें कि 3 से 4 बजे मैंने ऑर्डर किया है और मैं कभी कभी खुद आया हूँ, रिजवान जानता है क्या टेस्ट है, और रात में ऐसा लगता है कि बस पेट, और ऐसा भी नहीं कि सुबह उठ के सीने में दर्द हो जाए या वो हो जाए, क्या ही बात है यार। ऐसी चीजें, ऐसी मसाले, हर चीज अपने हाथ की चीजें होती है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लेवर कोई हम इस्तेमाल नहीं करते, कोई बाजारी चीज इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये बताएं कि फेमस आपका है मतलब क्या चीज है? सर, सजी में हमारा फुल चिकन हो गई, सजी टिक्का बारबेक्यू में जैसे अपना आइटम हमने लगाया हुआ है, शाशलिक बोटी, बलोची बोटी। हाँ, शाशलिक बोटी जो बलोची बोटी कहलाती है, आई थिंक वो कितने ग्राम मतलब, यानी कि आधा किलो के स्केले एक प्लेट में क्वांटिटी 400 ग्राम तक की होती है, 400 ग्राम तक की। ओके, तो वो आपकी ये चीजें फेमस है। इसके अलावा मैंने देखा कि दाल वगैरह कुछ फ्राई वगैरह हमारे पास होती है, दाल मखनी, दाल अपना चना, दाल मूंगफली और सब्जी फ्राई, मगज फ्राई, कीमा, कोरमा, कलेजी, सब फ्राई आइटम होते हैं आपके पास? ऑलमोस्ट आपके पास फ्राई आइटम है इसके साथ। अच्छा, सब्जी के साथ लोग ज्यादातर क्या लेना पसंद करते हैं, कोई रोटी छोटी या कोई पराठा वराठा होती है अपने फेवरेट, और उसके साथ पूरी पराठा वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, पूरी पराठा वगैरह हो जाता है। और मतलब रात में आप 4 बजे तक? 4 बजे, 4:30 बजे जाते हैं। 4:30 बजे जाते हैं, तकरीबन 5-6 बजे जाते हैं यहाँ। 5-6 बजे सर्दियों में तकरीबन 4:30 की टाइमिंग है अपनी, मगरिब के बाद स्टार्ट होता है शुरुआत, यानी कि। अच्छा, देखने वालों के लिए कोई मैसेज दे दें कि आपने उनको कौन सा टेस्ट दे देना अगर वो इस चैनल के तवस्सुत से आपके पास आते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमारे कस्टमर हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको तो पता है, तकरीबन 7 साल से काम। यार मैं तो यही बता रहा हूँ कि मतलब नो डाउट कि कोई चीज ऐसी हो कि VIP। चले मैं जरा आपके शेफ से भी जाके देखता हूँ कि उस तरफ, अब इस तरफ जाता हूँ थोड़ा सा कि वो क्या क्या बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला इसको ट्राई भी करते हैं, और फिर इंशाल्लाह अहमद भाई आपसे रابطہ के जरूर करते हैं। थोड़ी सी लोकेशन अगर आप गाइड कर दें हमारे देखने वालों को तो और अंदाज उनके लिए मसले मसाइल कम हो जाएंगे। ये इसके ऊपर मैप भी डाला हुआ है अपना। अच्छा, यानी कि अगर सुपर हाईवे से आते हैं तो उनको टोटल के पंप से वो राइट हो जाए तो यहाँ पे फारिया चौक है, फारिया चौक स्कीम 33, ये तो बड़ा फेमस है, यानी कि यहाँ पे आके आ जाए। आपका नंबर है 0333-7571-540। अच्छा, होम डिलीवरी तो आपके पास तो नहीं है, लेकिन वो फूड पांडा वगैरह दूसरे भी है सर, हम होम डिलीवरी भी करते हैं। अच्छा, कर लेते हैं, यानी कि फेडरल भी एरिया वगैरह कवर कर लेते हैं। चले मैं जरा आपके शेफ से मिलता हूँ, दूसरे वाले जो अभी सब फ्राई आइटम बनाते हैं। अच्छा जी, अस्सलामुअलैकुम, हम इस दोबारा मैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ आ चुका हूँ जो यहाँ पे बना रहे हैं फ्राई, यानी कि कढ़ाई और जो दाल वगैरह भी, जैसे इनके ऑनर अहमद साहब ने बताया था। जी अस्सलामुअलैकुम सर जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? सर आपका नाम जान सकता हूँ मैं? सोहेल अहमद। सुहेल साहब क्या बना रहे हैं इस वक्त? ये चिकन कोरमा। चिकन कोरमा की कढ़ाई बना रहे हैं, यानी कि आप इस वक्त फ्राई बना रहे हैं। अच्छा सुहेल भाई, आपके पास क्या क्या आइटम है?
इस है यानी कि जो कढ़ाई वाले टाइप के आइटम है, एक तो देखिए बारबेक्यू और सब्जी आपका अलग हो गया है। ये तो सालन है, कढ़ाई में चिकन कढ़ाई व्हाइट है, चिकन कढ़ाई रेड है, अच्छा चिकन कढ़ाई ब्राउन है, चिकन कढ़ाई ग्रीन है, अच्छा अच्छा चिकन हांडी है। तो सुहेल भाई हांडी रेड कितना टाइम लग जाता है सुहेल भाई इसको बनाने में? 20 मिनट लग जाते हैं कढ़ाई पकाने में। कढ़ाई बनाने में 20 मिनट लग जाते हैं। और आपकी यहाँ पे फेमस जो ज्यादातर डिमांड है वो किस चीज की है? माशाल्लाह सबकी है ये जो चल रहा है सब्जी के नाम से। अच्छा मतलब यानी कि कढ़ाई वगैरह की जो भी आपकी दाल दाल फ्राई वगैरह जो भी है, यानी कि 20 से 25 मिनट में आप इसको कंप्लीट तैयार करके दे देते हैं। बाकी दाल फ्राई करने में 5-7 मिनट लगते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप ये देखें तो ये हाइजेनिक तरीके से साफ सुथरा यहाँ पे माहौल में और बड़े अच्छे स्टाइल में ये यहाँ पे फ्राई करते हैं चीज़ें, और ये नहीं कि गंदी गंदगी पड़ी हो, कोई चीज़ें इस तरह की पड़ी हो, साफ सुथरा। और आप अगर शेफ़ देखें तो माशाल्लाह दोनों ही शेफ़ जो हैं, दोनों आज़ाद जो हैं, ये बड़े अच्छे साफ सुथरे, और ऑनर भी आपने देखा होगा ये लड़काना को एक फॉर्मेट लेके चलें, ये अगर आप देखें तो इन्होंने यहाँ पे ये चिकन लटकाने का कौन सा लॉजिक है सुहेल भाई? ये दिखाने के लिए जैसे को किसी को पता चले कढ़ाई बढ़ाई है इसके पास। अच्छा आपके पास बीफ कढ़ाई वगैरह भी है या सिर्फ चिकन का आइटम है? बनाते नहीं है लेकिन कोई लेके आता है उसको बना के देते हैं, जैसे रान सब्जी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी का मूड बन जाता है कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई बना लेते हैं। अच्छा वैसे आप बना लेते हैं? मटन कढ़ाई होती है, जैसे किसी का बीफ का मूड बन जाता है बीफ भी बना देते हैं, सब्जी का। अच्छा आपको कितना टाइम हो गया सुहेल भाई? तकरीबन इसी जगह में 4 साल हो गए। 4 साल हो गई जब से ओपनिंग हुई, यानी कि 2017 से आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इससे पहले कि आप जौहर वगैरह में इनके साथ थे, इन चैनल के साथ या मतलब सिंगरीन होटल था पहले उधर ही थे, सिंगरीन कैसे बंद हो गया तो इधर ही आ गए। चले यार ये आप बनाए, मैं देख रहा हूँ कस्टमर वगैरह भी यहाँ पे फ्लो आता जा रहा है, तो आप इसको बनाए, शायद आपसे दोबारा मिलते हैं और ट्राई करते हैं। अच्छा जी, देखने वालों से मेरी गुजारिश है अगर आप यहाँ पे आए, ये लड़काना सब्जी एंड बारबेक्यू के नाम से मशहूर है ये जगह, और अगर मैं इसका ओवरलुक दूँ तो यहाँ पे देखें अगर चौरंगी है, जैसे आप ये हाईवे से आते हैं और यहाँ पे फारिया चौक आएगा, फारिया चौक के साथ मौजूद है ये लड़काना सब्जी। मेरी देखने वालों से गुजारिश है कि हम इस वीडियो को लाने का मकसद ही यही था कि मतलब आपको एक अच्छे से अच्छा टेस्ट मिल सके, एक नई से नई चीज़ मिल सके, और आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, ताकि हम इस तरह के अच्छे अच्छे टेस्ट मतलब आपके लिए ला सकें। देखिए कराची में इसको लड़काना सब्जी मिल रही है, ये इत्तेफाक नहीं ये हकीकत है। यहाँ पे भी आए, इनकी जौहर वाली ब्रांच है उधर भी जाएं, और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें, और हम आपके लिए अच्छे अच्छे टेस्ट और इसके अलावा भी दीगर कॉन्टेंट लाते रहें। अरे कहाँ जा रहे हो? बेल आइकन पे क्लिक करके हमें लाइक सब्सक्राइब और फॉलो तो करते जाओ।